हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें और अपने पेज कीमती कमेंट्स को डालना न भूलें। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है आज़ादी का अमृत महोत्सव, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास, शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास, अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहनाई, एक हुए सब दीवाने देश के, आजादी की अलख जगाई, लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा, अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा, लौह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत, आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत। तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं राह हूं, अभी तो मैं शुरुआत हूं। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई, उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सपेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन तीन शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही संक्षेप में हमारे गौरवशाली इतिहास का इस वीडियो में वर्णन किया है।
शुरुआत हम देखते हैं कि भारत जो हमारा देश है बहुत ही प्राचीन देश है, रामायण महाभारत से लेके गुप्ता डायनेस्टी तक और फिर हमारे जितने सारे पराक्रमी वीर पुरुष हुए या स्त्रियां हुई, चाहे फिर राणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, अहिल्याबाई होलकर हो, तो इन सभी का बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को समृद्ध बनाने के लिए और जो आक्रांता थे उनसे लड़ने के लिए। आज हम देखते हैं कि हमारा भारत देश जो है ज्ञान विज्ञान कला में बहुत ही समृद्ध बन गया है, जबकि हम देखते हैं कि 800 साल तक हमारे भारत को गुलामी से वो जकड़ा हुआ था, और चाहे फिर वो लोधी हो या फिर खिलजी हो, मुगल हो या फिर अंग्रेज़ हो, इन सभी ने हमारे भारत पर कभी ना कभी राज किया, और ख़ास करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमने जो लड़ाई की है, चाहे फिर हमारे जो वीर क्रांतिकारी है या वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या वीर सावरकर हो, या फिर अनगिनत हमारे जो भारतीय क्रांतिकारी है, उन्होंने अपने घर का, अपने परिवार का, किसी का भी परवाह न करते हुए अपना सब कुछ अपने देश के आज़ादी के लिए उन्होंने अर्पित कर दिया। और साथ ही साथ दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारे महात्मा गांधी जो है उनके सत्याग्रह आंदोलन सारे भारतीयों को एकत्रित किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया, और तब जाकर 15 अगस्त 1947 में हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र हमें मिला। तो हम देखते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी मिलने के बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, वो अपने प्रगति पथ पर चल पड़ा, चाहे फिर वो IITs है, IIMs है, AIIMS है, जैसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनका गठन किया गया है। एक समय जिस देश को सपेरों का देश कहा जाता था, आज वही देश अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंच गया है। मेक इन इंडिया, ये तीन शब्द जो है हमारे सीने को चौड़ा कर देते हैं, हम गर्व से हमारा सीना ऊंचा हो, हमारा सिर जो है वो ऊँचा हो जाता है। आज हम देखते हैं कि हर घर में बिजली पहुंच रही है, स्वच्छ रसोई का गैस पहुंच रहा है, हर हाथ में मोबाइल फ़ोन पहुंच रहा है। डिजिटल इंडिया द्वारा कितना सारा लाभ हम भारतीयों को मिल रहा है। आज हम भारत के किसी भी कोने में हो और हमें कहीं पे भी राशि भेजनी है या फिर प्राप्त करनी है, वो हम सीधे डिजिटल द्वारा कर सकते हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे फिर वो गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो, जो पिछड़े वर्ग है उसके लिए हो, तो उनको भी ये स्कीम का लाभ हो रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से, कि जहाँ पर उनके खातों में सीधे राशि जमा हो रही है। वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब है कि सारा जहाँ, सारा जो विश्व है हमारा परिवार है, और उस उक्ति को कितना सच किया हमारे भारत ने, हमारे हिंदुस्तान ने। पिछले 2 वर्षों में हम सभी सारे देश जो थे पूरे विश्व के, वो कोविड से ग्रस्त थे। बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, अंडर डेवलप कंट्रीज़ थी, उनके पास वैक्सीन्स नहीं थी, तो भारत ने इन सारे देशों को कोविड वैक्सीन्स प्रोवाइड करने का काम किया, और सचमुच में ये बताने की कोशिश की है कि कुटुंबकम, हम सचमुच इस परिवार का हिस्सा है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत ये सिर्फ एक नारा नहीं रहा है, अब वो एक आंदोलन बन चुका है। तो हम देखते हैं कि विविधता में एकता, यही हमारे भारत की असली पहचान है। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही अच्छा निर्देशन और संगीत अच्छा, पार्श्वभूमि अच्छी, सिनेमाटोग्राफी अच्छी। तो दोस्तों, इस रिव्यू को हम यही समाप्त करते हैं। तो आप सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।